वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ बॉलीवुड दिस वीक द रोड टू एंड गेम। यस मेरा भाई, आज पहला एपिसोड है टू द एवेंजर्स एंड गेम द रोड टू द एंड गेम। आज से 30 दिनों तक, 26 अप्रैल तक, जब तक ये फिल्म रिलीज नहीं होती, हम हर रोज आपके पास लेकर आएंगे एक एपिसोड टू द रोड ऑफ द एंड गेम, जहां पर मैं आपको बॉक्स ऑफिस एनालिसिस, एडवांस बुकिंग, बॉक्स ऑफिस प्रेडिक्शन, फैन थियरीज और क्या क्या लीड कर रही है टू द बिगेस्ट सिनेमैटिक इवेंट ऑफ द वर्ल्ड, ऑफ द डेकेड बोल सकता हूँ, ऑफ द सेंचुरी पॉसिबली बोल सकता हूँ, एवेंजर्स एंड गेम। एक ऐसी फिल्म जिसने विश्व के हर कोने में धमाका मचाया, इंक्लूडिंग चाइना, ऐसा कोई कोना नहीं बचा था विश्व का जहां पर मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स की यह पेशकश एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जिसका दूसरा पार्ट इस 26 अप्रैल को आने वाला है, उसने धमाका नहीं मचाया था। दिस वॉज यू नो वर्ल्ड्स मोस्ट सेलिब्रेटेड सिनेमैटिक यू नो इवेंट, और ये साल अब से एग्जैक्टली एक महीने बाद वो वापस आ रहे हैं और अब वो लेंगे बदला इस यू नो दशक के इस महा यू नो विलन से, जिसका नाम है थानोस। वेल फ्रेंड्स, आज पहला एपिसोड है और इंडिया जैसे देश में जहां पर बॉक्स ऑफिस नंबर्स बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, उन्हें फिल्म कैसी हो या नहीं हो इससे कोई लेना देना होता नहीं, बॉक्स ऑफिस नंबर्स यहां पर चढ़ के, सर पे चढ़ के बोलते हैं लोगों के। फिल्में चाहे अच्छी हो या नहीं अच्छी हो, उनके लिए हमारे देश में क्रिटिक्स है, यहां पर यू नो जो फिल्म एनालिटिक्स है, जो एनालाइज करते हैं फिल्म को, वो उनके लिए होता है। लेकिन हार्डकोर बफ्स यू नो जो फिल्म बफ्स होते हैं, जो बॉक्स ऑफिस समझते हैं, उनके लिए जो बॉक्स ऑफिस पुल है वो आजकल एक बहुत बड़ा क्राइटेरिया बन गया है। बड़ी से बड़ी फिल्म हो, फिल्म चाहे कितनी भी अच्छी हो, कंटेंट वो बाद में देखते हैं। हाँ, ये पिक्चर 100 करोड़ गई कि नहीं गई पहले वो देखते। 150 करोड़ सुपर हिट पिक्चर, 200 करोड़ अरे एक नंबर, ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, ये यहाँ पर इंडिया में बहुत ही अभी आजकल का ट्रेंड चलने लग गया। लेकिन एवेंजर्स वो फिल्म है जो क्रिटिक्स को भी पसंद आएगी और ऑडियंसेस को पसंद आएगी। अब बात करते हैं गाइस एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, जो इंडिया में 2100 स्क्रीन्स पर रिलीज हुई थी, जिसमें से ध्यान से सुनिएगा, 2100 स्क्रीन्स में से 1500 स्क्रीन्स मिले थे इंग्लिश वर्जन को, और बाकी के जो 1600 स्क्रीन्स थे उसमें हिंदी, तमिल और तेलुगु वर्जन लगे थे। पहले दिन का जो कलेक्शन था एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का इंडिया में, वो था 31.30 करोड़, यानी के 2100 स्क्रीन पर यहाँ पर बड़े से बड़े स्टार्स को 3500 स्क्रीन्स भी मिलते हैं तो इतना बड़ा कलेक्शन नहीं आता है। तो जस्ट इमेजिन द पुल ऑफ दिस फिल्म, और अब वो फिल्म आ रही है जिसने हमको ऐसे यू नो कगार पर छोड़कर चली गई है, जिसके लिए पिछले एक साल से फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं। तो जस्ट इमेजिन द कलेक्शन विच विल कम दिस टाइम फॉर एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर। पिछली बार अनफॉर्चुनेटली यू नो केडीएम मशीन्स, उस तरह की इक्विपमेंट्स हमारे पास न होने के वजह से जो प्रोजेक्शंस रिक्वायर्ड थे, जो क्रिस्टी प्रोजेक्शंस थे, 4K प्रोजेक्शंस थे, बहुत बड़ा बवाल हुआ था। पूरे इंडिया में बहुत सारे थिएटर्स थे जो इक्विप नहीं थे मार्वल के जो फॉर्मेट में, जो ये फिल्म वहां से आई थी, इसके केडीएम कीज जो आते हैं वो हमारे यू नो इंडिया में इतने इक्विप नहीं थे, जिसके कारण वर्ष सिर्फ 2100 स्क्रीन में रिलीज हुई थी। लेकिन इस बार इसकी पूरी तामझाम से तैयारी की गई है, यहां पर थिएटर्स फुली इक्विप्ड है विद 4K, विद 2K डिजिटल, यू नो चेन्नई में जो वेट्री सिनेमाज है वहां पर लेजर प्रोजेक्शन भी इंस्टॉल किया गया है, बिकॉज एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर इज वन ऑफ द टॉप 3 हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म्स ऑफ यू नो चेन्नई फिल्म हिस्ट्री। और इसी कारणवश पूरे इंडिया में, चाहे वो IMAX ले लो, यू नो उसके बाद 4DX ले लो, सब वर्जन में आपको ये फिल्म इस टाइम इक्विप मिलेगी, स्पेशली 3D में, रियल 3D में आप एवेंजर्स के मजे ले पाओगे। इस बार एक्सपेक्ट करके चलना एवेंजर्स एंड गेम विल रिलीज मिनिमम इज अ नंबर एट 3000+ स्क्रीन्स एट इंडियन सिनेमा, यानी अगर पहले दिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पे 45 से लेके 50 करोड़ कर जाती है तो प्लीज आश्चर्यचकित मत रहना। मुझे पता है जब मैंने एवेंजर इन्फिनिटी वॉर का पहले दिन का प्रेडिक्शन दिया था पिछले साल, जो कि 25 से 30 करोड़ था, बहुत लोगों ने खिल्ली उड़ाई थी, लेकिन गाइस दिस फिल्म इज सीरियस स्टफ।
एवेंजर्स की जो फैन फॉलोइंग इंडिया में है वो कहीं भी उसे टक्कर दे सकती है। इसी का कारण है कि रूसो ब्रदर्स के एक भाई जो है वो इंडिया आने वाले इस फिल्म को प्रमोट करने के लिए, दैट इज अ वेरी बिग थिंग। फेमस यूट्यूबर्स लाइक आशीष चंचलानी, फेमस ट्रेड एनालिस्ट लाइक श्रीधर पिल्ले वो कॉल्ड यू नो टू फॉरेन लोकल्स टू प्रमोट टू गेट यू नो प्रमोशन मटीरियल्स ऑफ एवेंजर इन्फिनिटी वॉर टू द कंट्री ऑफ इंडिया, यानी कि इंडियन यू नो सोशल इन्फ्लुएंसर्स की मदद ली गई थी इस फिल्म को इंडिया में प्रमोट करने के लिए। तो स्क्रीन काउंट एक्सपेक्ट करके चलो गाइज, इस फिल्म का लगभग 3000 स्क्रीन्स के ऊपर होगा एंड द फर्स्ट डे ऑफ एवेंजर्स एंड गेम विल बी बिटवीन समवेयर बिटवीन 45 to 50 करोड़, दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, आज से एक महीने के पहले। यस मेरा भाई, और अगले महीने जब 26 तारीख को इस फिल्म रिलीज होकर 27 को इसका मैं कलेक्शन आपको बताऊंगा, मेरी भविष्यवाणी सच होते हुए दिखाई देगी। इस फिल्म ने अपने ओपनिंग वीकेंड में यानी कि मात्र 3 दिनों में पहले दिन 31.30, दूसरे दिन 30.50, तीसरे दिन 32.50 करोड़ कमाकर 94.30 यानी कि 94.30 करोड़ का वीकेंड किया था गाइस। तो इस टाइम जस्ट इमेजिन इतनी बड़ी ओपनिंग फिल्म लेगी कि इसका वीकेंड कहीं ना कहीं 125 to 130 करोड़ होगा। ज्यादा बड़ा बोल नहीं बोल रहा हूं मैं गाइस, दिस फिल्म विल बी द यू नो बेंचमार्क, आने वाली जितनी फिल्में होगी उनका बेंचमार्क बनेगी ये फिल्म एवेंजर्स एंड गेम। और जब इसकी लाइफ टाइम प्रेडिक्शन की बात करें तो जो पहला पार्ट था वो 227.43 यानी कि 227.43 पे अपना लाइफ टाइम तोड़ा था उसने दम। इस बार वी आर टॉकिंग एनीथिंग अबाउट 325 to 350 करोड़ रुपीज एट द इंडियन बॉक्स ऑफिस। एक करेक्ट रिलीज मिलने वाली है इसे, फैंस आर गोइंग बॉन्कर एंड क्रेजी। और इंडिया में पहले ही बोल रहा हूं, बॉक्स ऑफिस पहले आता है बाद में फिल्म का कंटेंट आता है। भले लोगों को बुरी लगे ये बात, लेकिन आज की ये कड़वी सच्चाई है। और इस फिल्म में बॉक्स ऑफिस तो आएगा ही आएगा, कंटेंट इस फिल्म का इतना जबरदस्त होगा कि यहाँ पे ऑडियंस भी आएगी। सो गाइज एक्सपेक्ट अ मैडनेस ऑन द इंडियन सेलुलॉइड नेक्स्ट मंथ। अब गाइज आने वाले एपिसोड जो होंगे रोड टू एंड गेम में, उसमें हम ट्रेलर ब्रेकडाउन, फैन थियोरीज, किस तरह से इस फिल्म की एडवांस बुकिंग किन किन देशों में कब कब शुरू हो रही है, कब हम चाइना में इसकी रिलीज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कहां कहां इसके वर्ल्ड प्रीमियर स्टार्ट हो रहे हैं, रॉटन टमेटोज, आईएमडीबी रेटिंग्स, रूसो ब्रदर्स क्या थियोरीज प्लेस कर रहे हैं, इसकी रन टाइम की मिस्ट्री, बहुत सारी यू नो इनोवेटिव चीजें डिस्कस करेंगे। जो लोग पिछले साल रोड टू इन्फिनिटी वॉर में हमारे साथ जुड़े हुए थे, दे न्यू वी हैड सच अ ग्रेट टाइम। और गाइज यहाँ पर इंडिया में बहुत बड़े प्रमोशंस प्लान किए जा रहे हैं, जहाँ पे आप फ्री टी शर्ट्स, फ्री एवेंजर्स एंड गेम मर्केंडाइज जीत सकते हो। लास्ट ईयर ही मैंने आपको बहुत इंटरेस्टिंग यू नो मर्केंडाइज बताए थे जो मैंने खुद यू नो खरीद के परचेज किए थे। बड़े बड़े यू नो स्टैचूज लगाए जाएंगे यू नो बड़े बड़े सुपर हीरोज के, तो काफी इंटरेस्टिंग चीजें मार्वल करेगा ये साल भी। और ये साल भी स्पेशल प्रीव्यूज होंगे, स्पेशल स्क्रीनिंग्स होगी हिंदी ऑडियंसेस के लिए, हिंदी ऑडियंसेस के लिए स्पेशल मटेरियल्स आएंगे, इसके इनोवेटिव स्टैंड आउट्स, कट्स, पोस्टर्स, बहुत ही भव्य तरीके से इसका आयोजन किया जाएगा। आईपीएल जो इस साल अभी शुरू है, अभी शुरुआत हुई है इसकी, इसके दौरान भी आप यू नो एक्सपेक्ट कर सकते हो एवेंजर्स एंड गेम के प्रमोशंस के बारे में चर्चा होते हुए देखकर। सो गाइस बने रहिए हमारे सेगमेंट के साथ, डेली जब भी मुझे वक्त मिलेगा मैं एक रोड टू एंड गेम का एपिसोड डालूंगा। आप हर रोज एक एपिसोड एक्सपेक्ट कर सकते हो। अगर आपके पास कोई टॉपिक्स है, कोई सुझाव है जिसपे मैं एपिसोड बनाऊंगा, तो प्लीज आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए, मैं उस टॉपिक को अपने कल के एपिसोड में या आने वाले एपिसोड में जरूर इंक्लूड करूंगा, चाहे वो कोई भी टॉपिक हो रिगार्डिंग द एवेंजर्स। सो गाइज बने रहिए मेरे साथ। और जितने लोग पूछ रहे थे इसके रन टाइम के बारे में, यस इट्स बीन कंफर्म, मैंने आपको ये बात एक महीने पहले ही बता दी थी जब इस सारे फंडाल को मैगजीन आ रही है इंडिया में, एक साल पहले बना दी थी, क्योंकि गाइज द वीएफएक्स इज गोइंग फ्रॉम इंडिया, द आर्टिस्ट डूइंग वीएफएक्स फॉर यू नो एवेंजर्स सीरीज आर मोस्टली फ्रॉम इंडिया। और तभी उन लोगों ने बात कंफर्म कर दी थी कि द रन टाइम विल बी मोर देन 3 आवर्स। वो क्यों है, क्या है, क्या रूसो ब्रदर्स को डिज्नी ने क्यों नहीं मना किया, क्यों इसके पहले जॉस वीडन, जैक स्नाइडर
इन लोगों की बातें न मानकर उनकी फिल्में, जैसे बैटमैन को काट दिया गया था, जॉस वीडन की बात नहीं सुनते, उनकी जो सीरीज थी उसमें भी बहुत सारे टाइम रिडक्शन हो गए। ये आने वाले एपिसोड में बात करेंगे। आज का एपिसोड कैसा लगा बताइए कमेंट सेक्शन में, तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। स्मिताभ अंसारी साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन।